नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की जो कि देहरादून से आ रही है। बीजेपी विधायक महेश जीना का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महेश जीना म्युनिसिपल कमिश्नर गौरव कुमार को धमकाते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो देहरादून के नगर निगम दफ्तर का है जिसमें ठेके को लेकर बहस हुई थी जिसमें नगर निगम कर्मचारी नाराज हैं और बुधवार को सफाई काम को ठप रखा जाएगा। आरोप ये भी है कि सहस्त्रधारा ट्रेंचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण के टेंडर का मामला है और टेंडर नहीं मिलने पर बीजेपी विधायक जीना ने अभद्रता की। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। कांग्रेस ने इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चुनाव से पहले सैन्य धाम के उद्घाटन पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है क्योंकि काम पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी बात से नाराज मंत्री गणेश जोशी ने इंजीनियर को जमकर खरी खोटी सुनाई है। गणेश जोशी ने कहा इंजीनियर को कि होश में रहकर बात किया करो। गणेश जोशी ने कहा कि इंजीनियर को डांटते हुए उन्होंने कहा कि पता है आचार संहिता लगने वाली है, दिमाग खराब हो गया है क्या। कई ऐसी बातें कही है उन्होंने और फटकार लगाई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार फिक्स को उसी तरह बांटो। मशवरे की बात कराकर जगह आदर से लगने वाली है, दिमाग खराब हो गया तेरा। अरे पागल आदमी यार, मैंने कहा मुझे सारे मंदिर बाबा जसवंत जी का मंदिर है तो पूरा कर देते। क्यों कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदारी फिक्स को उसी तरह काटो। है डॉक्टर की तरफ काटो। डॉक्टर ने कह रहा है डॉक्टर जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई करूं। जो भैया कॉमन सेंस ही नहीं है, किसी ने आ दिया उसको डॉक्टर रेडियर उसको। तो कहा है क्या तेरा? रिप्लेस करवा दे। अभी हो सकता है इनॉग्रेशन के टाइम। मैंने मॉर्निंग बोला आपको, मैंने भी बोला है, आपने बोला देखते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का बड़ा आरोप लगा है और इसे लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। मंत्री गणेश जोशी ने पिछले 15 साल में 36 लाख रुपए बतौर विधायक तनख्वाह ली है और 5.5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बनाई। एडवोकेट विकेश नेगी ने विजिलेंस को शिकायत के साथ जांच की मांग की है। विकेश नेगी ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट विजिलेंस को भेजे गए हैं वो आरटीआई से जुटाए गए हैं। 2022 में जब गणेश जोशी ने चुनाव लड़ा तो करीब 1.5 करोड़ रुपए अकाउंट में दिखाए जबकि पत्नी के अकाउंट में 90 लाख रुपए बताए गए। वहीं चुनाव में करीब 29 लाख रुपए खर्च हुआ। जो डॉक्यूमेंट विजिलेंस को भेजे गए हैं उनमें मंत्री गणेश जोशी के परिवार के सदस्यों के नाम भी शामिल हैं जिसमें जमीन लीज पर लेने, जमीन दान करने, सिडकुल की ही जमीन को पार्टनरशिप में लेने जैसी गंभीर शिकायतें हैं। सिडकुल की शिकायत उस वक्त की है जब मंत्री गणेश जोशी उद्योग मंत्री थे। इन्होंने जो प्रॉपर्टीज दिखाई हैं 5 करोड़ की है और इनको टोटल जो अभी तक 15 साल में जो वेतन मिला है वो मिला है 36 लाख का। इसके अलावा इन्होंने 2022 में अपना हलफनामा दिया है, उसमें दिखाया है इनके अकाउंट्स में 1.25 करोड़ के करीबन, वाइफ के अकाउंट में 90 लाख। अब सवाल ये उठता है पूरे 15 साल में 36 लाख इन्होंने कमाए और खर्चा इतना दिखा दिया, 5.5 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टीज आ गई। ये शिकायत हमने फिर विजिलेंस को करी है। अब विजिलेंस अगर इसमें कार्रवाई नहीं करती है तो हम फर्दर इसमें कोर्ट जाएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, और क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं क्योंकि ये पूरा मामला काफी पुराना के कई बड़े आरोप भी मंत्री गणेश जोशी पर लगाए गए हैं, यहाँ पर क्या जानकारी? बिल्कुल शीरम, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है विकेश नेगी, उन्होंने ये शिकायत विजिलेंस को की है और खासतौर पर उन्होंने
इसलिए कहा है कि जितने भी शिकायतें उन्होंने की और जो बातें उन्होंने लिखी है, खासकर पैसों को लेके, जमीन को लेके, वो सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने आरटीआई में जुटाए हैं, यानी वो इसमें पीछे हटने को तैयार है। उनका कहना है कि जो भी डॉक्यूमेंट है बिल्कुल सही है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी इसकी कॉपी भेजी है और ये इस बात का जिक्र भी उन्होंने अपनी शिकायत में किया है। हमने मंत्री गणेश जोशी जी को फोन भी किया था और उनसे इस बारे में पक्ष भी जाना चाहा, हालांकि उनका अभी तक पक्ष हमें नहीं मिल पाया है। जैसे ही उनका पक्ष आएगा हम वो भी दर्शकों को बताएंगे। लेकिन एक बड़ा मामला है क्योंकि इस सरकार में मिनिस्टर है इस वक्त गणेश जोशी, और ये आरोप अब इस पर वो क्या सफाई देते हैं इसका इंतजार रहेगा। जी बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए दीपांकर। हल्द्वानी के वनभूलपुरा कांड से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को वसूली का नोटिस जारी हुआ है। राजस्व विभाग ने मलिक की संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किए हैं। हिंसा के दौरान 2,66,00,000 का नुकसान हुआ था, अब उसकी भरपाई के लिए मलिक नोटिस जारी हुआ है। एक हफ्ते के अंदर अब्दुल मलिक को धनराशि जमा करनी होगी। आपको बता दें कि 8 फरवरी को हल्द्वानी में हिंसा हुई थी, जिसमें सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। उसी मामले में अब्दुल मलिक गिरफ्तार हो चुका है और अब अब्दुल मलिक को रिकवरी का नोटिस जारी किया है। अगले एक हफ्ते में अब्दुल मलिक को 2,66,00,000 का हर्जाना जमा करना होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए निवेश और एमओयू को लेकर आज देहरादून में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, मंत्री गणेश जोशी और चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी समेत सभी टॉप लेवल ऑफिसर्स के साथ उद्योगपति यहां पर मौजूद रहे। आज मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, टूरिज्म, एनर्जी सेक्टर के करीब 27,000 करोड़ के एमओयू धरातल पर उतरे। आपको बता दें इससे पहले 8 और 9 दिसंबर को आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 44,000 करोड़ के एमओयू की ग्राउंडिंग हो चुकी है। कुल मिलाकर इन्वेस्टर समिट के तहत अभी तक 71,000 करोड़ की योजनाओं की ग्राउंडिंग हो चुकी है। जो हमको लगभग 71,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा बड़ी राशि है। 20% लगभग ये राशि है जो टोटल हमारे एमओयू हुए हैं, और संभवतः एमओयू के बाद इतनी बड़ी ग्राउंडिंग कम देखने को मिलती है। इसमें हम सबको ये प्रोत्साहित करती है। कुमाऊं से अमृतसर गोल्डन टेंपल जाने वालों को सीधी ट्रेन मिल सकेगी। हल्द्वानी के पास लालकुआं से अमृतसर के लिए एक वीकली ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। इस ट्रेन को केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाई। तराई में रहने वाले सिख समाज की तरफ से लंबे वक्त से अमृतसर के लिए सीधी ट्रेन चलाने की मांग की जा रही थी, जिसे आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार ने शुरू करने का फैसला किया है। ये ट्रेन हर मंगलवार को अमृतसर के लिए चलेगी। पिछले दिनों जब नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई तो मैंने हाथों हाथ मंत्री जी से कहा कि इसे अब देर करके कोई फायदा नहीं है, फिर बाद में लगाने का भी कोई औचित्य नहीं है, लोगों की डिमांड है, जल्दी इसको लगाना चाहिए। तत्काल प्रभाव से 2 दिन में ही उसका शासनादेश आ गया और आज मंत्री जी बाहर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तरकाशी के मुख्य बाजार बड़कोट से रामलीला मैदान तक रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाओं और स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। क्षेत्र की जनता के भव्य स्वागत से सीएम धामी भी काफी खुश नजर आए। मुख्यमंत्री ने भी लोगों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। सीएम धामी ने सरकारी विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। साथ ही लाभार्थी जनसंवाद कार्यक्रम में जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों से संवाद किया और चेक प्रशस्ति पत्र प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबी देकर सम्मानित किया। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने लोगों के बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। कुछ ही दिनों बाद लोकसभा का चुनाव हमारा, उसकी आचार संहिता लग जाएगी। हो सकता है कि चुनाव के दौरान आपके बीच प्रत्यक्ष न भी आ पाए, लेकिन आज ही मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। आपने 2014 का चुनाव बड़े भारी बहुमत से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस क्षेत्र से एक तरफा समर्थन दिया। 2019 में भी आपने एक तरफा समर्थन दिया, लेकिन 2014 में और 2019 में एक अंतर रहा।
2014 में जो मत मिले थे 2019 में उससे ज्यादा मत मिले थे, तो 2024 में 2019 से ज्यादा मत मिलने चाहिए ना, बताइए 2019 से ज्यादा मत मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। इस समय भले ही लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हों, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी से विधानसभा की तर्ज पर लड़ने जा रही है। इसके लिए संगठन और सरकार दोनों को मैदान में उतार दिया है। मुख्यमंत्री के राज्य भर में दौरे भी इसी प्लानिंग का हिस्सा है। इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी विधानसभा की एक एक सीट पर पूरी रणनीति के साथ लड़ने जा रही है, ताकि किसी भी सीट पर विपक्षी हावी न होने पाए। पहले फेज में वो 23 सीटें टारगेट की गई हैं, जिन पर 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी हार गई थी। ऐसी ही दो विधानसभा लक्सर और मंगलौर सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सोमवार को बकायदा रोड शो करके मिशन की शुरुआत भी कर दी। मंगलवार को दोनों नेता उत्तरकाशी की यमुनोत्री सीट पर थे। जो विधानसभा में हम जिन सीटों को हारे थे वो हमारे लिए लक्ष्य है कि उसमें हम इस बार अच्छे मतों से जीते। इसी दृष्टि से जहाँ हमने अपने जो पिछली बार चुनाव लड़े हुए जो प्रत्याशी थे उनको हमने इन विधानसभाओं का संयोजक नियुक्त किया है, प्रभारी की दृष्टि से दूसरी विधानसभा वरिष्ठ कार्यकर्ता हमने वहाँ काम दिया है, और उद्देश्य यह है कि किस प्रकार से विधानसभा को हम अच्छे मतों से जीते। विधानसभा की मंगलौर, पिरान, कलियर, चक्राता जैसी कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में पीछे रही थी। यही नहीं, सेकेंड फेज में उन सीटों का दौरा किया जाएगा जिनमें 2022 के चुनाव में जीत का अंतर बेहद कम रहा। जो जो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी वहां पर कार्यक्रम में ही, सम्मेलन में ही उनकी ज्वाइनिंग प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा कराई जाएगी। तो अभी तक हमने 10,000 से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी अपनी माइक्रो प्लानिंग के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है और पार्टी नेता इस बार 2019 से भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक बुधवार को यानी कि कल दिल्ली में होगी, और इस मीटिंग में कांग्रेस के दावेदारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। करीब 40 दावेदारों में से कांग्रेस कुल 12 से 15 नाम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पांचों लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार के नामों का ऐलान एक साथ होगा। बुधवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में चेयरमैन भक्त चरण दास, प्रभारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्या शामिल होंगे। हमारे साथ होंगे, 6 तारीख को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और मुझे लगता है उसके बाद सीईसी को ये जाएगा और जल्दी से जल्दी पांचों लोकसभा सीटों की घोषणा हो जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग से पहले कांग्रेस नेता टिकट की जुगत में लगे हुए हैं। मंगलवार को वॉर रूम इंचार्ज नवीन जोशी ने कमेटी के चेयरमैन भक्त चरण दास से मुलाकात की और टिहरी सीट से दावेदारी पेश की। वहीं अल्मोड़ा से दावेदार आशा लाल ने संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल से भी मुलाकात। लगातार दो लोकसभा चुनाव और दो विधानसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस को अब लगता है कि बीजेपी के प्रचार तंत्र के आगे टिकना मुश्किल है। कांग्रेस को आखिर ऐसा क्यों लगता है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। साल 2022 में कांग्रेस नेताओं में कुर्सी की ऐसी होड़ बची कि पार्टी की लुटिया डूब गई। रही सही कसर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात ने पूरी कर दी। अब सिर पर लोकसभा चुनाव है। पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को जीत के लिए मैनेजमेंट करना होगा और फिर एक बार बीजेपी के दुष्प्रचार से बचना होगा। हरीश रावत मानते हैं कि बीजेपी के कुप्रचार से 2022 चुनाव में नुकसान हुआ, ऐसे में इस बार बीजेपी कोई कुप्रचार न करे, इसके लिए मैनेजमेंट करना होगा। उपयोग का प्रबंधन ये जो है, और कुप्रचार भारतीय जनता पार्टी का जो कुप्रचार हुआ, जो जिसका शिकार हम 2022 में हुए हैं, उस कुप्रचार का प्रबंधन जो है ये बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर है। बीजेपी के प्रचार तंत्र से मुकाबला कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। आरजेडी नेता लालू यादव ने परिवार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर कमेंट किया
तो बीजेपी ने मोदी का परिवार स्लोगन जोड़कर जीत का मिशन बना दिया। वहीं प्रदेश बीजेपी 2022 की बातों को 2024 में भी दोहराना चाहती है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के, और जिसको बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने, क्या सभी जनता ने इसको सुना भी, जाना भी, और आज भी हम इस बात को लेकर के आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी के साथ है। उत्तराखंड में लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस के सामने चुनौतियों का अंबार है, लेकिन अगर बीजेपी ने फिर तुष्टीकरण पर कांग्रेस को घेरा तो बीजेपी के प्रचार को कांग्रेस कैसे कुप्रचार बताकर काउंटर करेगी, यही चिंता पूर्व सीएम हरीश रावत की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। बीजेपी महानगर महिला मोर्चा की महिलाओं ने आज देहरादून की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। नारी शक्ति अभिनंदन के समारोह के दौरान निकाली गई रैली के दौरान महिलाएं एमवी एक्ट की जमकर धज्जियां उड़ाती दिखाई दी। न किसी ने हेलमेट पहना था, न ही ट्रैफिक नियमों का पालन कर रही थी। वहीं आरटीओ का कहना है कि कई बार रैलियों को उनकी को लेकर कोई खबर ही नहीं लग पाती थी, लेकिन अब सभी राजनीतिक दलों को कहा जाएगा कि रैलियों में ट्रैफिक नियमों का जरूर ध्यान रखें। निवेदन करना चाहिए। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग किसी के लिए अलग है सिस्टम और किसी के लिए अलग है, सबके लिए बराबर है। हम लोग कई बार क्या होता है कि ये प्रोग्राम हमारे संज्ञान में नहीं रहता है और एक बार भी हो जाता है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ऐसे कोई भी प्रोग्राम होते हैं तो सबसे पहले हम लोग इंश्योर करेंगे कि लोग हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं। आपको तमाम खबरें विस्तार से दिखाएंगे, वक्त तमाम 10 बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। अल्मोड़ा में सांसद अजय टमटा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लोकसभा की टिकट मिलने के बाद पहली बार पहुंचे थे टमटा अल्मोड़ा। हरिद्वार में उत्तराखंड प्रजापति संघ से जुड़े लोगों ने विरोध मार्च निकाला। यूपी में प्रदर्शन के दौरान प्रजापति समाज पर पुलिस द्वारा बर्बरता किए जाने का आरोप। पौड़ी में बदहाल पड़े गांधी मैदान की दुर्दशा को अब नगर पालिका सुधारने जा रही है। अब नगर पालिका ओपन जिम और बच्चों के लिए पार्क के तौर पर विकसित करेगी। दिगंबर अनी अखाड़े के महामंडलेश्वर महंत रामगोपाल दास ने एम्स ऋषिकेश के आईसीयू में भर्ती होने के चलते ऑक्सीजन बेड पर ही शिष्य अभिषेक दास का मंगल तिलक कर अपना उत्तराधिकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर नैनीताल में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। 12 पत्थर सूखा ताल के साथ मेट्रोपोल और माल रोड पर सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। बागेश्वर में बीवीपी वर्कर्स ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। चुनाव में गाड़ियों को लगाने की मांग को लेकर हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। पौड़ी एसएसपी श्वेता चौबे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले महिलाओं के लिए पुलिस लाइन में हेल्थ कैंप लगाया। बागेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह में स्कूली छात्राओं के लिए संवेदी करण की कार्यशाला हुई। डीएम ने जिले में प्रेरणादायक महिलाओं को सम्मानित किया। रुद्रप्रयाग जिले में इस बार चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हो, इसके लिए प्रशासन की हर तरह की कोशिश जारी। जिले में 1,94,000 मतदाता।